हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे की हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 6 है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पाई मिल्क डिलीवर करने आया था रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट के ओनर से पूछता है, दूसरे सप्लायर नहीं आए हैं क्या मिल्क डिलीवर करने के लिए? तभी यहाँ जेड भी आ जाती है। पाई उसे छेड़ने लगता है, तभी पीछे से मिल्क आ जाती है, पाई से चिपक जाती है। तभी जेड का वर्कर पीछे से मिल्क भी ले आता है। जेड पाई से कहती है, तुम मुझे अगली बार देखो तो ऐसा प्रिटेंड करना कि तुम मुझे नहीं जानते। रेस्टोरेंट के ओनर के साथ चली जाती है, उसके पीछे जा रहा होता है। मिल कहती है, प्लीज मत जाओ ना। नेक्स्ट सीन में जेड हॉस्पिटल पहुंचती है, उसके वर्कर से कहती है, तुम जाकर मिल्क डिलीवर कराओ, हम पैसे बाद में ले लेंगे। वहीं छुपकर फाई को देखने लगती है। फाई एक नर्स से बात कर रहा होता है। दो नर्स बात करते हुए जाती है, ये तो फाई है ना, बड़े फार्म का ओनर है, इस नर्स से कई बार मिलने आता है। यह सुनकर जेड वहां से चली जाती है। लोम कहता है फाई से, तुझे लव कन्फेस करे 2 दिन नहीं हुए, तूने उसे नाराज कर दिया। तेरा नाम फाई नहीं फायर होना चाहिए था, आग लगाता रहता है। फाई कहता है, भाई मुझे नहीं पता क्या हो जाता है, हमारी लड़ाई ही हो जाती है हर बार। दोनों भाई फाई को बहुत अच्छी अच्छी सलाह देते हैं। लोम फाई को समझा रहा होता है, तुम जेड से जब भी बात करो उसे प्यार से बात करा करो। यहाँ जेड तैयार होकर निकलती है। डैड कहते हैं, आज तो संडे है, तुम कहाँ जा रही हो? जेड कहती है, मैं विलेजर्स की मदद करने जा रही हूँ। डैड कहते हैं, रुक जाओ, अभी कराई पॉप आने वाला है, उसके साथ चले जाना। डैड से कहती है, नहीं मुझे जल्दी जाना है। वहाँ से चली जाती है, वहाँ घोड़े पर जा रही होती है। उसके रास्ते में फाई आ जाता है, बात करने के लिए कहता है। जेड कहती है, मुझे नहीं करनी बात। फाई उसके घोड़े पर ही चढ़ जाता है। जेड कहती है, उतरो। वह उसे पीछे से हक कर लेता है, उसे छोड़ता ही नहीं। दोनों भाई छुप कर देख रहे होते हैं। दिन कहता है, ये उससे लव कन्फेस करने गया है कि उसको मारने गया है। जेड उसके हाथ पर काट लेती है। फाई कहता है, तुमने मुझे काटा, ठीक है तुम मुझे काटो, मैं तुम्हें किस करता हूँ। जेड कहती है, जर्क दूर हटो मुझसे। फाई कहता है, तुम शांति से बैठ जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें एक जगह लेकर जाना चाहता हूँ, मुझे पता है तुम्हें वो जगह बहुत पसंद आएगी। जेड कहती है, ठीक है लेकिन पहले छोड़ो मुझे। फाई कहता है, ठीक है मैं तुम्हें धीरे से होल्ड करूंगा। ये दोनों राइड एंजॉय करते हैं। फाई उसे एक लोकेशन पर लाता है, उसे बताता है, ये हमारी फैमिली की प्राइवेट जगह है, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि आज से तुम मेरी फैमिली का पार्ट हो। जेड कहती है, ये इम्पॉसिबल है। फाई कहता है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। जेड मिलकर बोलती है। फाई कहता है, वो मेरी दोस्त से ज्यादा कुछ नहीं है। जेड कहती है, फिर उस नर्स का क्या? फाई स्माइल करते हुए कहता है, तुम मुझे फॉलो कर रही थी ना। फाई उसे बताता है, मैं वहाँ किसी और से मिलने जाता हूँ। जेड कहती है, दूसरी लड़की? वहाँ से जाने लगती है। फाई कहता है, रुको दो। जेड उसे पानी में ही धक्का दे देती है, चली जाती है। पीछे पलट कर देखती है, फाई नहीं दिखता, तो वहाँ वापस आती है, फाई को ढूंढने लगती है। फाई मिल जाता है, वह कहती है, क्या हुआ? फाई कहता है, मेरे पैर में क्रैम्प आ गया है। जेड आकर उसकी हेल्प करने लगती है, उसे खड़े होने के लिए अपना हाथ देती है। ये दोनों एक बार फिर क्लोज आ जाते हैं। तभी इन्हें गनशॉट की आवाज आती है। जेड कहती है, ये आवाज तो हमारे एरिया से आ रही है, मैं जाकर देखती हूँ। उसके जाते ही फाई कहता है, बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम यहीं हो। जेड यहाँ पहुँचती है, सिला से कहती है, ये सब क्या चल रहा है, ये विलेजर्स लोगों को तुम यहाँ से क्यों निकाल रहे हो? सिला कहता है, ये हमारी जगह है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं यहाँ पर। जेड कहती है, लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे, इन लोगों को मैंने ही जगह दिया है यहाँ रहने के लिए। जेड सभी लोगों से कहती है, मैं मेरे डैड से बात करूंगी, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। उसके डैड से जाकर बात करती है। डैड कहते हैं, कोई गलत फहमी नहीं हुई है, उस जगह पर रिजॉर्ट बनेगा और मैं उसमें इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, मैंने तो इन्वेस्टमेंट के पेपर्स पर साइन भी कर दिए हैं। डैड को ऐसा लग रहा होता है जबकि वो लैंड के पेपर होते हैं जो कराई पॉप ने अपने नाम पे करा लिए हैं। जेड कह रही होती है कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। जेड बहुत लड़ती है मगर डैड सिला दोनों ही उसकी बात नहीं मानते। डैड कहते हैं, कराई पॉप तुम जेड को लेकर लंच पर जाओ। जेड को बहुत गुस्सा आ रहा होता है मगर वह कुछ कहती नहीं। यहाँ फाई अपने पैरों की मरहम पट्टी करवा रहा होता है। लोम आकर कहता है, तू यहाँ मरहम पट्टी करवा रहा है, चल मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। जेड यहाँ कराई पॉप के साथ लंच पर आई थी। ये सीन देखकर फाई को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, वो जाने लगता है। लोम कहता है, अभी रुक जा, तूने अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दी है लेकिन जेड तेरे लिए क्या फील करती है ये अभी हमको पता नहीं है। इसके लिए मेरे पास एक प्लान है जिसके लिए हमें मिल्क की जरूरत पड़ेगी। फाई कहता है, मेरे पास पहले ही बहुत सिर दर्द है, तू मिल्क को क्यों बुलवाना चाहता है? लोम कहता है, इससे ये पता चलेगा तुझे और मिल्क को साथ में देखकर जेड को जलन होती है कि नहीं। यहाँ मिल्क भी आ जाती है, उनके सामने वाले टेबल पर ही ये दोनों बैठ जाते हैं। इन दोनों का कंपटीशन चालू हो जाता है। फाई जेड को दिखाकर
रोमांटिक होने की कोशिश कर रहा होता है मिल्क के साथ। जेट भी फाई को जलाने के लिए कराई पॉप से खुद को खिलाने के लिए बोलती है। फाई मिल्क से अपनी मसाज भी करा रहा होता है कंधों की। ये देखकर जेट को बहुत गुस्सा आती है। वह कराई पॉप से कहती है, मेरे होंठ पर कुछ लगा है क्या? उसे साफ करने के लिए बोलती है। ये देखकर तो फाई को बहुत गुस्सा आता है। फाई बदला लेने के लिए अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है। मिल्क बहुत अच्छे से कर रही हो तुम। ये सब सुनकर जेट वहां से उठकर चली जाती है। फाई जेट को जाते हुए देखता है, वो भी उसके पीछे चला जाता है। यहाँ जेट कराई पॉप के साथ जा रही होती है। जेट कहती है, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं? कराई पॉप कहता है, मुझे तुमसे कुछ पर्सनल मैटर पे बात करनी थी। हम शायद घर पर पर्सनल मैटर पे बात नहीं कर पाते, ये कहकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जेट कहती है, तुम क्या कर रहे हो? कराई पॉप कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से। जेट कहती है, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अगर तुम्हें मेरे बिहेवियर से गलतफहमी हुई है तो उसके लिए सॉरी। वह कार से बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन उसने लॉक लगा दिया था। जेट कहती है, मुझे जाने दो। कराई पॉप कहता है, जाने दूंगा लेकिन पहले मुझे तुम्हें किस करने दो। यह कहकर वह जेट के साथ जबरदस्ती करने लगता है। कार की डोर पर तभी नॉक होता है। कराई पॉप जैसे ही गेट खोलता है, फाई उसे बहुत बुरी तरह मारता है। जेट को अपने साथ ले जाता है। जेट कहती, क्या कर रहे हो ये? फाई कहता है, मैं अभी चिढ़ा हुआ हूँ, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। उसे ले जाता है। फाई जेट पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम उस बंदे के साथ खाना खाने क्यों गई थी? ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी? और अगर मैं तुम्हारी कार तक नहीं आता, तुमने सोचा है क्या हो जाता? जेट कहती है, क्योंकि मुझे उस मिल्क को देखकर तुम्हारे साथ गुस्सा आ गया था, और कराई पॉप और मेरे बीच में कुछ नहीं होता क्योंकि मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ। फाई कहता है, अच्छा तो तुम मुझसे प्यार करती हो? जेट कहती है, तुम इतने हैंडसम नहीं हो। तभी यहाँ सिला की जीप आ जाती है। सिला जीप से उतरता है गन लेकर। यह देखकर जेड फाई को एक पंच मार देती है, ऐसा जताती है जैसे कि फाई उसका दुश्मन है। सिला पूछता है, क्या हुआ? जेड कहती है, ये हमारा दुश्मन है। एक बंदा कराई पॉप को लेकर भी उतरता है जो अभी टूटी फूटी हालत में था। जेड कहती है, जाओ यहाँ से। फाई जाने लगता है। सिला उसे रोककर कहता है, तूने ही कराई पॉप की ऐसी हालत की है ना? जेड आकर कहती है, नहीं ये नहीं था। उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। नेक्स्ट सीन हमें घर का दिखाते हैं। कराई पॉप कह रहा होता है, मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है। यहाँ फाई अपने घाव पर सिकाई करा रहा होता है। फाई कहता है, उसने मुझे अचानक से हिट किया। दिन कहता है, वो तुम्हें बचाना चाहती थी इसलिए उसने ऐसा किया होगा। लोम कहता है, हाँ वो तुम्हारी लिए केयर करती है तभी उसने ऐसा किया है। सिला कराई पॉप को रोककर कहता है, तुम तुम्हारे बॉस से मिलने जा रहे हो क्या? मैं उन्हें अभी 50,000 रुपए दे रहा हूँ। कराई पॉप कहता है, इतने में तो इंटरेस्ट ही पूरा नहीं होगा। सिला कहता है, लेकिन 2 लाख तो इंटरेस्ट है ना पूरे साल का। कराई पॉप कहता है, नहीं भाई मंथ का। ये सुनकर सिला को शॉक लग जाता है। कराई पॉप कहता है, अभी मैं इतने ले जा रहा हूँ, बॉस को समझा दूंगा, वो मान जाएंगे अगर तुम समय पर पैसे देते रहोगे तो। दूसरा चमचा आकर बताता है, बॉस केम अभी जिंदा है, मरा नहीं है, ये बात मुझे आज ही पता चली है। सिला उन दोनों से कहता है, उस पर नजर रखना, सारी खबर मुझे बताते रहना। जेट घर पर आती है। डैड उससे पूछते हैं, कराई पॉप तुम्हें कैसा लगता है? जेट साफ साफ मना कर देती है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। डैड कहते हैं, क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? जेट कहती है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं कराई पॉप को कभी पसंद नहीं करूंगी। उन्हें मना कर चली जाती है। नेक्स्ट डे जेट फार्म में होती है। यहाँ पर प्यूक आता है उसके पास। वो प्यूक को देखकर हैरान हो जाती है। प्यूक उसे बताता है, मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ, हमारे जो फॉरनर टूरिस्ट है उनके टूर के हिसाब से जगह देखने आया हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है हाइकिंग के लिए, राफ्टिंग के लिए। इन दोनों को बात करता हुआ सिला छुपके से देख रहा होता है। यहाँ पाई के पास याई और प्रमाई दोनों आते हैं। वो इन दोनों को देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। यहाँ सिला डैड को जाके बता देता है, मैंने जेट को एक लड़के के साथ देखा। तभी जेट प्यूक को लेकर आ जाती है। यहाँ फाई को पता चलता है कि इन लोगों के साथ प्यूक भी आया है। यहाँ डैड प्यूक का इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम क्या करते हो। प्यूक उन्हें अपने बारे में बता देता है। जेट आकर प्यूक को अपने साथ ले जाती है। प्यूक के जाने के बाद डैड कहते हैं, अगर जेट को कराई पॉप पसंद नहीं है, अगर वह प्यूक के साथ आगे बढ़ना चाहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ये लड़का अच्छा लग रहा है। ये सुनकर तो सिला मुंह बना रहा होता है। ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तभी यहाँ पर दिन आता है। प्यूक कहता है, जेट हम इन्हीं के रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। जेट प्यूक को बताती है कि ये फाई का भाई है। दिन फाई के पास कॉल लगाता है। फाई तुरंत ही यहाँ आ जाता है। उन दोनों को साथ में देखकर फाई कहता है, देखो कैसे हंस हंस के बात कर रही है, मेरे सामने तो कभी मुस्कुराती भी नहीं, मुझ पर तो चिल्लाती रहती है। दिन कहता है, भाई शांत हो जाओ, शांति से कुछ सोचते हैं हम। तभी यहाँ पर फाई के मॉम डैड आ जाते हैं। जेट उनका इंट्रोडक्शन कराती है प्यूक से। डैड पूछते हैं, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जेट कहती है, नहीं मेरा फ्रेंड है। यह सीन देख के फाई कहता है, लो अब तो मेरे पेरेंट्स भी पहुंच गए वहां पर, वो कितने हंस हंस के बात कर रहे हैं। दिन कहता है, अब हम हमारा प्लान एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, मॉम डैड वहां पर बैठे हुए हैं, हमें कुछ तो सोचना होगा।